लोगों के मैसेजेस आए कि कोरिया जाओ कोरिया जाओ कोरिया जाओ कोरिया 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 फिर क्या था? मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। चलो यार जल्दी से ये न्यूज़ प्रेरणा को देते। प्रेरणा उठ उठ यार, जल्दी उठ। क्या है प्रेरणा? उठ यार, उठ उठ। क्या है? अभी हम कोरिया जा रहे हैं। कोरिया? हाँ सीरियसली हम कोरिया जा रहे हैं। अच्छा कब जा रहे हैं? अबे यार BTS का मेला है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। BTS का मेला है, वो हमसे मिलना चाहते हैं। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। लेट्स गो प्रेरणा। क्या मजाक कर रहे हैं? BTS हाँ, दिन में सपने देखना छोड़ दे। BTS का मेला है, हमसे मिलना चाहते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, चल तू ऐसा कर, तू सो आराम से, मैं जा रहा हूँ। तू मजाक? मैं जा रहा हूँ कोरिया। हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ। वीजा पासपोर्ट? चल ना फिर, चल लेट्स गो, लगवाने चलते हैं। तू सीरियस है? अरे मुझे चक्कर आने लग गए। Hey guys, welcome back to our channel. आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। आपको मेरी स्माइल देख के पता लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। इस खुशी का एक सिंपल सा रीजन है, हर्ष लेने गया हमारा पासपोर्ट VFS सेंटर से। एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप लोग हमें इतने टाइम से कह रहे थे यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। हर्ष पासपोर्ट लेके आ रहा है, आई जस्ट होप कि हमारा स्टैम्प लग गया हो। फाइनली वीजा लग गए, हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। इतनी खुशी हो रही है। तो देख भी लिया तूने पासपोर्ट? हाँ। तो यस फाइनली हम जा रहे हैं साउथ कोरिया। क्या मतलब, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग सच में कोरिया जा रहे हैं और हमें BTS से मिलना है। ये बात सच है यार, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ था। सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कोरिया जाओ कोरिया जाओ कोरिया जाओ, फाइनली हमें बुलावा आ गया और हम कोरिया जा रहे हैं। क्या होने वाला है यार कोरिया में अभी? चलो आपको गाइस दिखाते हैं आज कोरिया कैसे। लेट्स गो। प्रेरणा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हम सच में जा रहे हैं कोरिया। हाँ यार हम फ्लाइट में बैठे हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही बिलीव कराऊंगा तेरे को। तो कुर्सी की पेटी बांध के बहुत ही डिलीशियस सा खाना खा के 7.5 घंटे की फ्लाइट पर मैं और हर्ष हो गए सवार, पहुंचने के लिए अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन कोरिया। थोड़ा थोड़ा सर तो दर्द हो रहा था मेरा फ्लाइट में, पर कोरिया पहुंचने की एक्साइटमेंट से ऊपर तो कुछ भी नहीं था। एंड फाइनली टाइम आ गया, वी लैंडेड इन कोरिया। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भैया इंडिया से ना 7.5 घंटे की फ्लाइट पकड़ के सीधा आ गए कोरिया। अभी कोरिया पहुंच तो गए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या गजब गजब चीजें होती है। पहले होटल चलते हैं, होटल भी बहुत अलग है, मैंने सुना कुछ अनोखा होने वाला है। चलो अंदर लेके चलते हैं आपको। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, समझ रहे हो ना मैंने पर्पल क्यों पहना है। आ गए, ये क्या है भाई, स्पेस में आ गए क्या? मून मून में आ गए, वेलकम कर रही है हमारा। नमस्ते नमस्ते। बंदे कहाँ रिसेप्शन पे? हेलो रोबोट नमस्ते। अभी रिसेप्शन पे बंदे कहाँ हैं? भाई यहाँ बंदे नहीं, यहाँ पे सेल्फ चेक इन करना है। वो हेलो कह रही, हेलो कह रही, हेलो। गले लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डू नॉट टच। मैं भी मिलूंगा इससे। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। चल चेक इन करते हैं। और ये देख यहाँ कौन है भाई, डायनासोर। यार मुझे तो सच में विश्वास सा नहीं हो रहा, रोबोट्स वाला होटल। भाई सिर्फ रोबोट यहाँ पे चेक इन करते, बंदे है ही नहीं। पूरा वाइट है और इतना नीट एंड क्लीन है, सच में मजा आ रहा है देख के। अभी चलो चेक इन करते हैं रूम के अंदर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे आपको कोरिया दिखाने, BTS का घर दिखाने और भी बहुत कुछ दिखाने। इट्स गोइंग टू बी फन गाइस, आज बहुत मजा आने वाला है, प्लीज स्टे ट्यून्ड। How Korea is living in 2030. अब हम ऑर्डर करने वाले हैं यहाँ से टॉयलेट पेपर जो कि हमारे खत्म हो गए हैं। रिक्वेस्ट टॉयलेट पेपर टू अमाउंट योर रिक्वेस्ट इज रिसीविंग। कोई फोन करने की भी जरूरत नहीं, कोई फोन करने की जरूरत नहीं। और ऑर्डर लेके कौन आने वाला है तू देख ही जा। ये नॉक हो रही है ना, कोई आया जल्दी देख। रोबोट? ये क्या सिस्टम है प्रेरणा? ये कौन से गोला में आ गया है भाई? एक तो और गोला है, क्या हमरे जैसा लोग रहता है? ये ऐसे रोबोट्स आते हैं यहाँ पे हमें सामान देने? कोई बंदा ही नहीं है यार, रोबोट आ रहे देने सामान। प्रेरणा इसको अपने साथ रख ले, इंडिया ले चलते हैं, इससे मसाज करवाए। ए रुक जाना रोबोट, प्लीज वेट फॉर मी। बाय बाय रोबोट। 2 seconds later. फिर से आ गया रोबोट। एक और बार खेल खेलते हुए। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या इसे देख रहा है शेडी तरीके से उसे? बार बार लगातार हम बस रोबोट को बुलाते रहे। हेलो रोबोट, नमस्ते। ओपन पे। वाओ। कितना मजा आ रहा है। दो पानी की बोतल। थैंक यू रोबोट। चौथी की स्पीड से है ना? तो गाइस हम आए करेंसी एक्सचेंज कराने, हमारे पास क्योंकि US डॉलर्स थे तो हमें उसे कोरियन वॉन में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे कोरियन वॉन चलते हैं। और एक कोरियन वॉन इंडियन करेंसी में कितना होता है हर्ष?
आई थिंक नहीं रहने दे इससे ना हो पाएगा। पहले हम ले लेते हैं US डॉलर्स कन्वर्ट करा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कितनी करेंसी मिलती है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कोरियन रुपीस को हाथ में लेने में। क्या नई करेंसी की ना बात ही अलग होती है। दिखा कितने सारे पैसे लेके आए। देखिए यार कितने सारे पैसे हुए कन्वर्ट करा के। कलर्स कितने क्यूट क्यूट है। एक नोट 50,000 रुपए का भी है। 500 रुपए के सिक्के भाई। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। अब हम बहुत बड़े अमीर हो गए कोरिया के। अब चलते हैं बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। मुझे फुट मसाज करानी है, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कॉस्मेटिक्स होती है वो लेनी है, और हाँ BTS का घर भी तो देखना है। चलो फिर चलते हैं। फाइनली टैक्सी ले लिए और अब हम जा रहे हैं कहाँ। हम जा रहे हैं BTS से मिलने। सीरियसली? यस। ये ना मेरे को उल्लू बना रहा है। मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमें ऐसे मतलब सच में बुलाया। अबे सच में बुलाया है, कभी तो विश्वास कर लिया अगर। ठीक है, कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? बस 10 से 15 मिनट। आ रही हूँ मैं, देखी जाओ। ये बंदा, इसने मेरे को धोखा दिया। ये एक नंबर का झूठा इंसान है, मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी। यार मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने मुझे स्पेशली बोला था कि हमें BTS ने इनवाइट किया है। ये इनवाइट होता है? कोई इनवाइट नहीं था। स्टॉकिंग कहते हैं इसको। हाँ तो यही करने आए थे हम, और क्या भाई। बहुत चला दिया इस लड़की को ना। अब मैंने सोचा इंडियन खाना खिलाते हैं, आराम से इंडियन खाना खा, खुश हो जा। BTS से तो बाद में भी मिल लेंगे ना। हाँ कब मिलेंगे, कौन से जन्म में? अबे साउथ कोरिया आ गए ना तो BTS से भी मिल लेंगे, बहुत दिन है। मैं इसको माफ करूंगी पर एक शर्त पे, ये बीच सड़क में ओपा गैंगनम स्टाइल करके दिखाएगा। हम गैंगनम स्ट्रीट पे हैं तो इसे इतना करना तो बनता है। एनीवे गाइस, जब तक हर्ष हमारा लंच ऑर्डर करता है, मैं बताना चाहती हूँ आपको टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक, जो कि है अंजुषा, मानसी, मोनिका, वरुण, पुरुषोत्तम, स्नेहा, सोनिया एंड वैभव। अगर आप भी बनना चाहते हो टॉप सब्सक्राइबर ऑफ द वीक, आपको बस बताना है आपका फेवरेट सिंगर। ये भी जरूर बताना कि आप क्या क्या चाहते हो हम आपको दिखाएं कोरिया में। जरूर बताना मैं कमेंट्स में। अभी इंडियन खाना आ गया, चलो इंडियन खाना खाते हैं। बहुत भूख लग रही है और इसने मेरा दिल तोड़ दिया, सच्ची बता रही हूँ। तो ये आ गए हम गैंगनम स्ट्रीट पे और हर्ष हमें अब करके दिखाएगा ओपा गैंगनम स्टाइल। अबे क्या सुंदर सुंदर सड़कें हैं, क्या गलियां हैं तेरी, गलियां मजा आ रहा है भाई। वो देख हैंडबुक इधर। ये क्या है? हैंडबॉक ना कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। ये पहनते हैं ना राजा महाराजा बनके, बड़ा मजा आएगा, फोटोज लेंगे। हाँ ये ऐसी ड्रेस होती है। हाँ गाइस, कौन कौन चाहते हैं मैं पहनूं और इसमें 24 आवर्स? मैं नहीं चाहता, प्लीज यार हर्ष। अबे बाद में गाइस आप बोलो कमेंट्स में कि मैं करूं। अगर कमेंट्स में आता है ना तो पक्का मैं जरूर घुमाऊंगा इसको पहना के। ठीक है डन, अभी के लिए नो। मुझे ये खाना है पोटैटो विंग। अब हम भी खाएंगे आलू। वॉक करते रहो, टॉक करते रहो और खाते रहो। ये लड़की फिर से हाथ छुड़वा के भाग गई। और अब इसको छाता लेना। यार बड़ा सुंदर है छाता। छाता है कितने का? मात्र 3,000 won, मतलब लगभग 200 रुपए चलेगा। हम चलते भटकते हुए इलेक्ट्रॉनिक शॉप आ गए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीजें दिख रही है यार यहाँ पे। ना देख, रेनडियर वाला लैंप बना हुआ है। क्या दिखा रही है? ये देख यार कितना सुंदर पिंक हाउस है, मुझे हाउस चाहिए। ओ भाई टाइनी हाउस, कितना सुंदर है। किचन है, फ्रिज है, ड्राइंग रूम है, स्टडी टेबल, बेडरूम। पर से क्या करेगी तू? पता नहीं, मुझे चाहिए। अबे फिर ने क्या करेगी यार? मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए प्लीज। छोटी बच्ची हो क्या? तेरी इतनी जरूरत तूने मुझे ना करी। ले ले डरा मत, ले ले। मैं डरा नहीं रही थी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत सुंदर है, मैं तुझे प्लीज करना चाहती हूँ। ले ले यार, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। पर करेंगे क्या, बस मैं ये सोच रहा हूँ इसका। ये वाला नहीं, वाला नया देंगे, नया देंगे, उनसे बोल। तो पसंद मैंने किया था लेकिन ये घूम रहा है, मेरा ड्रीम हाउस। प्रेरणा का ड्रीम हाउस ले लिया हमने, तो अब यही तेरा ड्रीम हाउस है, इसमें रहना है तुम्हें। कोरिया में ही रहना ना? यस। अब हर्ष आपको दिखाने वाला है इस छाते की एक डेमोन्स्ट्रेशन। कोरिया में एक बहुत ही मस्त चीज है। आओ, बहुत तेज की बारिश आ रही है। बहुत तेज की बारिश आ रही थी, मेरा छाता सारा गीला हो चुका है, बट मैं अंदर लेके नहीं जा सकता वरना सारा गीला हो जाएगा सब कुछ। तो मैं छाते को ऐसे रोल करूंगा और मैं इसके अंदर डालूंगा। ओके। और ये देखो छाते का कवर आ गया, छाते की पन्नी आ गई। अब इससे क्या होगा, अंदर कुछ गीला नहीं होगा। एग्जैक्टली। वाओ, इतनी तेज बारिश हो रही थी बाहर। बड़ी जल्दी जल्दी रिफ्यूज लेके आए हैं यहाँ पे मेओंग डोंग पिज्जा पे, और हम खाने वाले हैं पेपरोनी पिज्जा। नहीं पेपरोनी नहीं, मार्गरेटा पिज्जा। और ये मिल गया जूस, साथ ही साथ ऑर्डर से पहले बिल भी आ गया, तो हमने 23,000 रुपए लगाए हैं यहाँ पे। फुट मसाज कराते हैं चलो। अबे अभी वॉक तो किया ही नहीं, पैरों में दर्द तो हुआ ही नहीं। बहुत दर्द हो रही है मेरे पैरों में। छाते को फिर से डाले इसमें? नहीं अभी हमारा छाता सूखा हुआ है। तो ये क्या लिफ्ट तो है ही नहीं, तो मैं 4 मंजिल पैदल चढ़ू? पहले चढ़ो, इसका मतलब पहले पैरों में दर्द करो उसके बाद ठीक करवाओ। हाँ, और पिज्जा खाने के बाद एज ऑलवेज हम करने आए हर्ष का फेवरेट काम, उसको मसाज के बिना चैन कहाँ पड़ता है। जब से आया तब से मसाज 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 करानी है। 1,00,000 रुपए लग गए हमारे
मजाक है कोई? 1,00,000 won. 1,00,000 won जो भी है, 1,00,000 तो 1,00,000 होते हैं ना. फिलहाल तो हमें won में डील करना है ना. फाइनली मैंने टूरिस्ट कार्ड ले लिया है. अभी मैं सबवे, बसेस, ट्रेन्स हर जगह ट्रैवल कर सकती हूँ इस कार्ड के थ्रू. से बोलते हैं टी मनी कार्ड, लेट्स गो. हर्ष तूने देखा यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी का बड़ा रिवाज है यार. मैं सोच रहा हूँ मैं भी करवा लूँ. इसको कुछ भी बोल दो, इसको वो चीज करानी है. पर एक्चुअल में ना यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी, फिलर्स विलर्स बहुत कॉमन चीज है यार. मैं देख रही हूँ इतने सारे ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल के लिए. ये स्किन केयर को लेके तो कुछ ज्यादा ही दीवाने हैं यार. सेंटर्स खुले हुए तो यूज होता होगा ना. हाँ यार बात तो सही है. तो बस फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ. व्हाट डू यू मीन ट्राई करके देखता हूँ? हर चीज में ट्राई करके देखता हूँ. शक्ल ना अच्छी दी है भगवान ने, थैंक यू बोला कर रोज. और इसी तरह पहला दिन कोरिया में हमने हंसी खुशी निकाल दिया. आगे बहुत ही बेहतरीन व्लॉग्स आने वाले हैं. और हाँ, हर्ष का रोबोट के साथ ये खेल तो खत्म ही नहीं होने वाला. ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा. बट आप हमारे कोरिया के व्लॉग्स देखना बिल्कुल मत भूलना. बहुत एक्साइटिंग चीजें आने वाली हैं. बाय.